मतलब एआरओ से कॉल आया तो उसको बताया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपका जो है सिलेक्शन इंडियन आर्मी के लिए हो चुका। फिर कॉल आता है एआरओ से कि आपको जरूर से जरूर वहां पर पहुंच, मतलब 16 लड़कों को वहां पर बुलाया गया था। जय हिंद भाई सभी को, कैसे हो आप सभी। तो भाई देखो, इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर अब जो है वेटिंग लिस्ट लगेगी, ठीक है। ये आपको सुनने में थोड़ा नया लग रहा होगा क्योंकि भाई, और अजीब भी लग रहा होगा क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा इस बार पहली बार हो रहा है वेटिंग लिस्ट इंडियन आर्मी के अंदर लगने वाली है। इंडियन आर्मी अग्निवीर की वेटिंग लिस्ट में आपका रोल नंबर है या नहीं, इसके बारे में आपको कैसे पता लगेगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक साथी है, उसके साथ हुआ था, ठीक है। अगर जो आपको बताने वाला हूँ उस साथी के बारे में, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप ये समझ लेना कि आपका जो है सिलेक्शन इंडियन आर्मी के लिए हो चुका है और आपको जाना पड़ेगा इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि उस साथी के साथ वो मतलब होते होते उसका सिलेक्शन बचा था, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो भाई लास्ट तक देखना, ताकि मतलब हो सकता है आपकी वजह से किसी की मदद हो सके, और अपने साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताना। क्योंकि एक साथी है, उसके साथ हुआ था, अगर वो एक गलती कर देता ना छोटी सी, तो शायद आज इंडियन आर्मी नहीं जा पाता और वो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के लिए गया है, उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी के लिए हो चुका है। हालांकि उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है उसके अंदर उसका रोल नंबर नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के लिए गया है। तो किस प्रकार से गया है सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जिस भाई के बारे में आपको बता रहा था, उसके साथ क्या हुआ था कि उसको एआरओ से कॉल आया था, जैसे मतलब फाइनल लिस्ट आ चुकी थी, उसके बाद उसके पास उसके एआरओ से कॉल आया था, और उसको वहां से जब मतलब एआरओ से कॉल आया तो उसको बताया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, उसको डेट बताई कि इस डेट को आपको अपने एआरओ में पहुंचना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका जो है सिलेक्शन इंडियन आर्मी के लिए हो चुका। लेकिन जैसे उसके पास कॉल आया तो उसको लगा कि कोई दलाल है, मतलब वो कॉल कर रहा है और उसको पागल बना रहा है, पैसे खाने के चक्कर में है, तो उसको लगा। उसके बाद ऊपर से गई, लेकिन अगले दिन उसके पास फिर कॉल आता है एआरओ से कि आपको ज़रूर से ज़रूर वहां पर पहुंचना है। तो उसको लगा कि यार ये शायद एआरओ से ही आ रहा है, और वो अपने जो है डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार किए उसने, और वो अपने एआरओ पर बताई गई डेट पर पहुंचा था, ठीक है। तो उसको वहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि वहां पर 16 लड़के आए थे, ठीक है, मतलब 16 लड़कों को वहां पर बुलाया गया था। वैसे तो 20 लड़के बुलाए गए थे, लेकिन उसमें से 16 लड़के वहां पर पहुंचे थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। वो हो सकता है 4 के दिमाग में यही होगा कि कोई दलाल उनको कॉल कर रहा है, और वो साथी भाई रह गए थे। अगर वो साथी भी पहुंच जाते, वो 4 भी, तो उनका सिलेक्शन भी आज इंडियन आर्मी के लिए होता, वो भी ट्रेनिंग पर जाते। और देखो यार, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथी के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो आप कमेंट जरूर करना, ताकि मतलब और भी साथी हैं उनको भी विश्वास आ सके इस बात का, ठीक है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भाई आपका सिलेक्शन सच में इंडियन आर्मी के लिए हुआ है, ठीक है। इंडियन आर्मी जो है ऑनलाइन लिस्ट इसलिए जारी नहीं करती क्योंकि उनको लगेगा कि मतलब लोगों को लगेगा, कैंडिडेट को लगेगा कि जो इंडियन आर्मी के सिस्टम है उसमें आर्मी जो है लापरवाही कर रही है, इसलिए वो ऐसा मतलब ऑनलाइन लिस्ट जारी नहीं करेंगे ताकि आपको ऐसा लगे। वो डायरेक्ट आपको आपके एआरओ से कॉल करेंगे और आपको वहाँ पर बुलाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और आपको पहुँचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट लगेगी। तो यार देखो, यही सब कुछ था इंडियन आर्मी की वेटिंग लिस्ट को लेकर, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो भाई ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने जो रोल नंबर मतलब सॉरी जो आपने मोबाइल नंबर दिए हैं फॉर्म भरते समय, वो आपको चालू रखना है, ठीक है। हो सकता है एआरओ से आपको कॉल करे और आपको कॉल ही ना लगे, क्योंकि यार देखो, अगर आपका मोबाइल नंबर बंद रहेगा, एआरओ से आपको कॉल करेंगे, आपको कॉल नहीं लगेगी, और कॉल नहीं लगेगी तो आपको जो है सूचना वो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल नंबर चालू रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।